जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती और कहें तो छोड़ भी नहीं रही है। दरअसल अब शिवसेना भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है। अब आप कहेंगे कि कौन सी वाली शिवसेना, उद्धव गुट वाली शिवसेना या फिर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना? तो आपको हम स्पष्ट कर दें कि उद्धव ठाकरे की गुट वाली जो शिवसेना है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साध रही है। और इस बार उद्धव गुट के किसी छुटभैया नेता ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना नहीं साधा है, बल्कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और उद्धव गुट के प्रमुख आपको उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने कॉलेज डिग्री विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। एक दिन पहले गुजरात हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पीएम मोदी की डिग्रियों का ब्यौरा मांगने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। इसको लेकर ठाकरे ने कहा कि ऐसे कई युवा हैं जिनके पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है। जब पीएम को डिग्री दिखाने के लिए कहा जाता है तो 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं और जयंत पाटिल बालमोहन विद्या स्कूल में पढ़े थे, हम मंत्री बने तो हमारे स्कूल को नाज हुआ। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की है वहाँ प्रधानमंत्री को इतना गर्व क्यों नहीं होना चाहिए, डिग्री मांगी गई तो नहीं दिखाई जाएगी। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब भी चुनाव होता है तो वे लोगों का ध्रुवीकरण करते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि दुनिया के सबसे ताकतवर हिंदू नेता के प्रधानमंत्री बनने पर हिंदुओं को रोना पड़ रहा है, तो उस नेता की ताकत क्या है। उन्होंने कहा कि वे मुझ पर हिंदुत्व छोड़ने का आरोप लगाते हैं, मुझे हिंदुत्व छोड़ने का कम से कम एक उदाहरण दीजिए। संविधान की शपथ के बावजूद यदि ध्रुवीकरण कर रहे हैं तो आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे ऐसा बयान देंगे तो बीजेपी भी कहां चुप रहने वाली है। बीजेपी ने भी उद्धव ठाकरे को घेर लिया है और कहा है कि जब से महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी उद्धव ठाकरे से छिनी है उनका मानसिक संतुलन घुमसा गया है और इसलिए वे इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बता दें कि उद्धव ठाकरे एक मामले को लेकर और चर्चा में है। दरअसल हाल ही में उन्होंने इस समय जो महाराष्ट्र में आपको बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना वाली गुट की सरकार है उस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार नपुंसक है और उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जो कि इस समय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं उन्हें लाचार गृह मंत्री भी बताया। तो इसके अलावा तमाम तरह की चीजें हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं और उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच एक तरह से वॉर जो है वो बातों का जो सिलसिला है वो चलता नजर आ रहा है। लगातार एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है और तमाम तरह की चीजें हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में जिस प्रकार की चीजें इस समय हो रही हैं, बीजेपी और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना जो है वो आमने सामने आती हुई दिखाई दे रही है। आगे चलकर इस पर क्या कुछ होगा, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं। और देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि जिस प्रकार के बयान का जो है, जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल जो है उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, मैं उससे ज्यादा गलत शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूं लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। उन्होंने ही कहा कि जब से सीएम पद की कुर्सी उद्धव ठाकरे से छिनी है उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और वो लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं। तो लगातार बीजेपी और उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना की जो है इस समय एक तरह से वाक युद्ध देखने को मिल रहा है, लगातार निशाना साधा जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी और महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही साथ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें साउथ ब्लॉक डिजिटल। नमस्कार।